हेलो दोस्त, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कोई भी ऑफिस वाला है तो उस ऑफिस को कैसे जाने आप कि ये ऑफिस रियल है या फेक है, यानी वो ऑफिस रजिस्टर्ड है इंडिया गवर्नमेंट में या नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे ऑफिस हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में हर स्टेट में देखेंगे तो बहुत सारे ऑफिस मिलेगा आपको, लेकिन क्या हर ऑफिस रजिस्टर्ड है, हर ऑफिस रियल है जो काम करा देगा आपका, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे एजेंट हो चुके हैं, बहुत सारे ऑफिस देखेंगे तो हर मतलब कि गांव एरिया में भी आप देखेंगे तो ऑफिस खोल के कोई बैठा हुआ है, वहां पे इंटरव्यू भी चल रहा है, लेकिन हर जगह पे क्या वो काम आपका हो जाएगा या नहीं होगा, क्या वो लोग जो इंटरव्यू देने के आए हैं हो सकता है कि वो लोग फेंक हो, वो कोई कंपनी से क्लाइंट बनकर नहीं आए हैं। भाई मेरे पास पर्सनली एक्सपीरियंस है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे काम यहाँ पे होता है जो आपको इंटरव्यू होगा, आपको लगेगा कि हाँ क्लाइंट आया था इस कंपनी से, आप मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे को सिलेक्शन हुआ, मेरा अच्छा सैलरी लगा, और लेकिन वो सच्चाई तो ये है कि समटाइम्स क्लाइंट नहीं आता है। सब बहुत ऐसे मतलब रूरल एरिया में हो या मतलब कहीं भी इंडिया में कहीं भी जाओ, मुंबई हो या दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चेन्नई, पटना, कहीं भी जाओ ऐसा होता है। तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि जहां मैं काम करा रहा हूं क्या वो ऑफिस सही है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड देखो आप कि वो ऑफिस से काम हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे रजिस्टर्ड मतलब कि लाइसेंस वाला भी ऑफिस मिलेगा जो दो नंबर फ्रॉड काम कराता है आजकल, आप लोगों को मालूम है अच्छा तरह से, लेकिन फिर भी हम लोग को जानना है कि जो ऑफिस है वो सही है या नहीं है, क्योंकि जो ऑफिस का लाइसेंस लेता है उसमें पैसा लगता है, अच्छा खासा पैसा लगता है, और पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है इंडिया गवर्नमेंट के पास, उसके बाद वो लाइसेंस मिलता है, तो वो लोग थोड़ा सोच के करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट भी हैं कि जो ऑफिस खोल चुके हैं ऑलरेडी अपना, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वो अपना जीमेल ईमेल से अपना काम कर रहे हैं, तो वो सब जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन वो सब कैसे जानेंगे आप, वो भी तो बात है, कैसे जानेंगे आप कि क्या ये मेरा एजेंट जो है काम करा देगा कि नहीं करा देगा। भाई एजेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, पहले आई इस वीडियो में आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे एक ऑफिस को जानेंगे कि ये ऑफिस फेक है या रियल है, ऑफिस स्पेशलिस्ट फॉर ऑफिस, ओके, और कौन कौन सा फेक ऑफिस है ये भी जान सकते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा। तो चलते हैं वीडियो को, मैं स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में हमेशा लेकर आता हूँ कि जो नौकरी के रिलेटेड हो, जैसे कि ऑफर लेटर के कैसे पहचाने, दुबई का, कतर का, कुवैत का, कहीं के भी वीज़ा कैसे चेक करें, और एजेंट से कैसे बचें। चलते हैं दोस्त। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं ब्राउज़र को ओपन किया हूँ। यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको एक वेबसाइट यहाँ पे एंटर करना होगा। इस वेबसाइट को मैं यहाँ पर लिखना है www.immigrate.gov.in। उसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो इंडिया गवर्नमेंट का एक इमिग्रेंट का जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपके सामने ये ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद आपको ये साइट ऐसा दिखाई देगा, मेरे मोबाइल में हो सकता है कि आपको साफ दिखाई देता हो या नहीं देता हो, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। तो देख सकते हैं ये एमिग्रेंट ई-एमिग्रेट का जो वेबसाइट है इंडिया का है, ये ओपन हो चुका है यहाँ पे। अगर आपको ऑफिस को जानना है कि मेरा जो ऑफिस से काम करा रहे हैं क्या वो ऑफिस सही है, रजिस्टर्ड है इंडिया गवर्नमेंट में या नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे ऐसे ऑफिस है जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग अपना एजेंट है कोई, लेकिन ऑफिस बता करके आपसे फ्रॉडनेस के काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे जाल में फंस चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना मतलब उस जाल में बचे। आजकल बहुत मुश्किल है जॉब लेना, लोग छटपटाए हुए हैं कि कहीं भी जाकर जॉब मिल जाए। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रिक्रूटिंग एजेंट। रिक्रूटिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो लोग मतलब काम किसी कंपनी से लेते हैं और फिर उसको मैन पावर सप्लाई करते हैं, जैसे हम ही लोग ऐसे आदमी को वो लोग इंटरव्यू दिलाते हैं, काम करा देते हैं, चले जाते हैं, कुछ पैसा लगता है। तो यहाँ पे करना है आपको क्लिक रिक्रूटिंग एजेंट पे। रिक्रूटिंग एजेंट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इसका वेबसाइट जो है खुल जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है कि मैं एक ऑफिस वाला बन जाऊँ तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है, जानना है कि मैं जिस ऑफिस से काम करा रहा हूँ ऑफिस रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो सबसे नीचे यहाँ पर जैसा लिस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एजेंट्स, मतलब यहाँ पे आपको पूरे इंडिया का, मैं बात करूँ तो पूरे इंडिया का लिस्ट मिल जाएगा एक पीडीएफ फाइल में, जो आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे करना है आपको क्लिक, और जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे साइड में देखिएगा लिखा है लिस्ट ऑफ एक्टिव आर ए, लिस्ट ऑफ नॉन एक्टिव आर ए यहाँ पे। तो ये दोनों है क्या? एक्टिव आर ए का मतलब होता है कि उसका लाइसेंस जो है एक्टिव है, अभी वो अभी काम करा सकता है,
सही है दोस्त, नॉन एक्टिव मतलब कि उसका लाइसेंस जो है अभी एक्सपायर हो चुका है, यही है। तो यहाँ पे आपको करना है एक्टिव वाले पर क्लिक, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो ये डाउनलोड हो गया, हो रहा है अभी। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ क्लिक आइकॉन टू डाउनलोड रिपोर्ट। यहाँ पे पीडीएफ वाले जगह पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, यहाँ से आप डाउनलोड कर ले, 1 MB का है ये। यहाँ पे आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो ऊपर यहाँ डाउनलोड हो रहा है दोस्त, और 2-4 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड होने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, इसको इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ओपन पर क्लिक करें, यहाँ से पीडीएफ से ओपन कर लें। जैसे आप यहाँ से ओपन कीजिएगा तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे पूरे इंडिया के अगर बात करूँ तो पूरा इंडिया का ऑफिस का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग यहाँ से ओपन हो चुका है। आप जिस ऑफिस से काम करा रहे हैं क्या ये ऑफिस ऐसा है या नहीं है, आप लोग देख सकते हैं पूरे इंडिया का। ये अगर सबसे पहले बात करूँ मैं तो ये खुला है स्टेट बाय स्टेट पूरे इंडिया का, ये आंध्र प्रदेश का खुला है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसे चीज़ है, ऑफिस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ तो इतना ऑफिस है, मैं कितना मतलब बोलूँ आपको, 1542 ऑफिस है रजिस्टर्ड अभी इंडिया में, पूरे स्टेट में। तो आप लोग यहां से आसानी से चेक कर सकते हैं कि क्या यह आपका जो ऑफिस है इस लिस्ट में है या नहीं है फर्स्ट। लेकिन अगर इस लिस्ट में भी है भाई तो ऐसा नहीं है कि वो आपका काम करा देगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे फ्रॉडनेस का काम करते हैं। तो कहीं भी किसी भी ऑफिस में अगर आप जाकर काम करा रहे हो तो उस ऑफिस का बैकग्राउंड जान लो, आप जानो कि हाँ वो ऑफिस मेरा काम करा देगा या नहीं करा देगा, वो ऑफिस एक बहुत कुछ लोग गए हैं या नहीं गए हैं उसका वेरिफिकेशन करो, उसके बाद उस ऑफिस में जाकर इंटरव्यू दो, या इंटरव्यू दियो तो पैसा दो, अपना पासपोर्ट दो, सही है दोस्त। और दूसरी बात, अगर एजेंट को पहचानना है कि कैसे उस एजेंट को पहचाने कि काम करा देगा या नहीं करा देगा तो कैसे पहचानेंगे आप, उसके लिए मैं, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है इस सब के बारे में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी बात कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कोई ऐसा ऑफिस की जो मतलब कि इलीगल के चक्कर में फंसा हुआ है, तो उसका भी इस पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सा ऑफिस है, स्टेट बाय स्टेट नाम, नंबर, एवरीथिंग आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसी वेबसाइट पर जैसे आप ओपन करेंगे इस वेबसाइट को, तो मैं ओपन कर रहा हूँ फिर यहाँ पर थोड़ा सा, तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर रिक्रूटिंग एजेंट पे जाकर करेंगे क्लिक। रिक्रूटिंग एजेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑन रजिस्टर्ड आरए, आरए का मतलब होता है रिक्रूटिंग एजेंट। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा जो यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से तो ऊपर ये डाउनलोड हो चुका है, तो कुछ सेकेंड टाइम लग सकता है, डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ से आप ओपन करेंगे इसको, फिर पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद पूरे स्टेट का यानी इंडिया में जितना भी स्टेट है तो उस स्टेट का लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टेट बाय स्टेट कौन एजेंट है जो इलीगल के चक्कर में फंस गया है, और मतलब कि हर जगह का नाम है, दिल्ली से लेकर, सबसे ज़्यादा दिल्ली में यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि 85 हैं ऐसे लोग, हरियाणा, बिहार, जम्मू कश्मीर, एवरीवेयर पूरे इंडिया में भरा हुआ है लोग। ये तो कुछ नहीं है दोस्त, ऐसे तो बहुत ऐसे लोग हैं जो फ्रॉडनेस के काम कर रहे हैं और लोगों को फेंक ऑफर लेटर, फेंक वीज़ा, एवरीथिंग दे रहे हैं। तो दोस्त इस वीडियो को हम एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाए तो अच्छा नहीं है, तो चलते हैं इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर मतलब कि अगर वीज़ा चेक करना है, ऑफर लेटर चेक करना है, तो ऐसे वीडियो में बहुत सारे ऐसे अपने इस चैनल पर बनाता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, थैंक यू दोस्तों।